हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल गुजिया, जिसे आप बिना सांचा के बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैं पैन को गर्म कर रही हूँ और उसमें एक चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। पैन में मैं 10-12 बादाम और 7 से 8 काजू ऐड कर रही हूँ और इनको हल्का रोस्ट कर ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को हमें लगातार चलाते रहना है, जिससे कि ये जले नहीं और रोस्ट हो जाए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। अब हमारा काजू और बादाम रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और बारीक कट कर ले रही हूँ। अब मैं उसी पैन में 3 चम्मच सूखा हुआ नारियल, जिसको मैं ग्रेट कर ली हूँ, उसको भून ले रही हूँ। नारियल को हमें हल्का ही भूनना है। 1 मिनट में नारियल हमारा भून जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब हमारा नारियल भून गया है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब मैं उसी पैन में 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं इसमें 1/2 कप सूजी ऐड कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे मैं सूजी को भून ले रही हूँ। सूजी को हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा सूजी धीरे धीरे अच्छे से भुने। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे सूजी का कलर अब चेंज होने लगा है। सूजी अब भुन गया है, सूजी का कलर अब बादामी हो गया है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। अब मैं इसी पैन में 1 कप मावा ऐड कर रही हूँ और मावा को भी हल्का भून ले रही हूँ। फ्रेंड्स, त्यौहार शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं मावा घर पे ही बनाई हूँ। आप बहुत ही आसानी से मावा घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 200 ग्राम मावा यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मावा हमारा भुन गया है। अब मैं उसी में कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स और कद्दूकस किया हुआ नारियल और सूजी को ऐड कर दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। हमारा सूजी और मावा का जो मिश्रण है वो हल्का ठंडा हो जा रहा है, तब मैं उसमें चीनी ऐड करूँगी। फ्रेंड, हमारे मावा और सूजी का मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप पिसा हुआ चीनी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इस तरीके से हमारे गुजिया का फिलिंग तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 2 कुटी हुई इलायची ऐड कर रही हूँ, जिससे कि गुजिया का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। फिलिंग अब हमारा तैयार है। अब मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। इसके लिए मैं 1 परात में 1.5 कप मैदा, साथ ही मैं इसमें 4 से 5 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि गुजिया का मोइन तैयार हो जाए, और आटे को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मैदा और घी को आपस में अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि हमारा मोइन मैदा में अच्छे से हो जाए, जिससे कि हमारा गुजिया क्रिस्पी बनके तैयार हो। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा तैयार कर ले रही हूँ। जिस तरीके से हम समोसे का आटा गूँथते हैं थोड़ा सा हार्ड, उसी तरीके से मैं गुजिया का भी आटा थोड़ा सा हार्ड गूँथ ले रही हूँ। देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, हमारा आटा अब गूँथ के तैयार हो गया है। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ। अब हमारे आटा को 15 से 20 मिनट रेस्ट करते हुए हो गया, आटा हमारा हल्का सॉफ्ट भी हो गया है। अब मैं इसे छोटे छोटे पूड़ी के साइज इतना पेड़ा लेके बेल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा रही हूँ कि आप सांचे से कैसे बना सकते हैं।
और मैं उस पूड़ी को सांचे के ऊपर रख दे रही हूँ और एक साइड में एक से डेढ़ चम्मच फिलिंग ऐड कर दे रही हूँ और हाफ साइड में मैं हल्का पानी लगा दे रही हूँ, जिससे कि हमारा गुजिया अच्छे से चिपक जाए। और सांचे के मदद से दबा दे रही हूँ और उसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसको कट करके निकाल दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सांचा वाला गुजिया इस तरीके से तैयार होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सांचा नहीं है उसके लिए भी मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि बिना सांचा का आप कैसे गुजिया तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक बड़ा सा पेड़ा ली हूँ और उसको बहुत ज़्यादा पतला बेल ली हूँ और इसे किसी भी कटोरे के सहायता से आप कट कर सकते हैं। जितना बड़ा आप गुजिया का आकार चाहते हैं, छोटा या बड़ा, उसके हिसाब से कट कर सकते हैं। तो हमारा पूरी तैयार हुआ है। उसके आधे साइड में मैं एक से डेढ़ चम्मच फिलिंग रख रही हूँ और साथ में आधे किनारे पे मैं हल्का पानी लगा दे रही हूँ और हाथों की सहायता से अच्छे से सील कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा गुजिया अब शेप ले लिया है। जिस तरीके से सांचे से डिजाइन बनता है उसी तरीके से मैं फोक की सहायता से किनारे किनारे पे हल्का प्रेस कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिजाइन बन गया है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये बिना सांचे का बना है। इसी तरीके से मैं सारा गुजिया तैयार कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा सारा गुजिया अब बन के तैयार है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैं तेल को मीडियम गरम की हूँ और उसमें एक एक करके गुजिया ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखें कि आप तेल जब मीडियम गरम है इसमें जितना गुजिया डाल सके उतना डाल दीजिए। इससे क्या होगा, तेल का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसमें गुजिया हमारे अच्छे से फ्राई होगी। इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसे उलट पुलट के फ्राई कर ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, जिस तरीके से हम समोसा फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसी तरीके से गुजिया में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके बाद हमारा गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा गुजिया का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गुजिया को ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। अब हमारे गुजिया का कलर एकदम चेंज हो गया है, गोल्डन हो गया है और एक भी गुजिया हमारा फटा नहीं है। अब मैं गुजिया को निकाल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, अगर आपका गुजिया फट गया है तो आप तेल में नहीं डालें, नहीं तो आपका सारा तेल खराब हो सकता है। इसी तरीके से मैं सारे गुजिया को फ्राई कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सारा गुजिया फ्राई हो गया है और ये बिना सांचे का बना है। फ्रेंड्स, इस गुजिया को आप 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो होली आने से 4 से 5 दिन पहले भी आप इस गुजिया को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि हमारा गुजिया कितना खस्ता और क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स, होली आने ही वाला है तो आप गुजिया का ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि हमारे न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।